करेंगे सेशन, तो ओवर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जो कि हैं एनिमेशन से रिलेटेड। एंड आई होप दैट आप सब इसको एंजॉय करेंगे। और आप सब लोग, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो हम लोग एनिमेशन और एनिमेशन का बेसिकली द यूज ऑफ एनिमेशन इन एजुकेशन एंड हाउ वी कैन गो अबाउट क्रिएटिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज थ्रू एनिमेशन विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सी एनिमेशन इज समथिंग, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हमें लगता है कि कुछ बहुत ही मुश्किल सा, कुछ बहुत ही कुछ यू नो रॉकेट साइंस जैसा कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत आसान चीज है। हाँ, कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको हम लोग एक साथ विल ट्राई टू डिस्कस देम एंड एवरीवन, ईच ऑफ यू कैन डू इट। देयर जस्ट सम वेरी बेसिक फंडामेंटल्स दैट वी नीड टू लर्न, दैट इज ऑल। दूसरा, विल ट्राई टू कीप इट एन ओपन सेशन वेयर यू यू ऑल आर वेलकम टू यूज द चैट। हमारे पास में चैट ऑप्शन है। आई विश अगर ये ऑफलाइन सेशन होता, फेस टू फेस होता, तो हम लोग सब वन टू वन बात भी कर पाते, हम लोग आपकी बात भी सुन पाते, पर वो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैट का इस्तेमाल करें और हम लोग सब आप पार्टिसिपेट करें, आप लोग आंसर्स दें। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है यू वॉन्ट टू एड एनी थिंग, आप कुछ बताना चाहते हैं, बाकियों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज गो अहेड। मुझे भोपाल सिंह नेगी जी ने बोला है कि हिंदी का प्रयोग ज्यादा करें, तो बिल्कुल मैं इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि हिंदी तो हमारी अपनी ही भाषा है तो हमें करना ही चाहिए उसका प्रयोग ज्यादा। तो हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का प्रयोग ज्यादा हो, पर क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है हो जिनको हिंदी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग दोनों को साथ लेकर के चल रहे होंगे। बट वील ट्राई टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन सेशन। ओपन सेशन रहेगा, आप लोग हैंड रेज कीजिए, योर चैट का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए। सो अब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू है जो कि हम लोग अगले 2 घंटे में लगभग जो चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। वी जस्ट अंडरस्टैंड कि एनिमेशन क्यों जरूरत होती है, क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन, और एजुकेशनल एनिमेशन को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स की जरूरत होती है, और फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड स्टोरी पोर्टिंग क्या होता है। हम लोग एक एक करके ये सारी चीजें हम लोग समझ रहे होंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, एक बार हम लोग ये देखें कि एनिमेशन में होता क्या है, वट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनिमेशन, कि एनिमेशन में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं और हम लोग किस स्पेस में घुसने वाले हैं। इसके लिए मेरे पास में एक छोटा सा वीडियो है, एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और इसमें आप इसको हम लोग विल कीप कमिंग बैक टू दिस, हम लोग इसको दोबारा रेफर कर रहे होंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा एंड देन विल 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 डिस्कस विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो आई एम जस्ट अबाउट गोइंग टू प्ले दिस वीडियो, आप प्लीज देखिएगा इसको। Someone
काफी लोगों का इनपुट है कि वॉइस नहीं आ रही है। आप लोग वॉइस की चिंता मत कीजिए, अभी आप विजुअल्स पे फोकस कीजिए, जहां जरूरत होगी हम लोग वॉइस आ जाएगी। जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग टाइप के देखे एनिमेशन देखे, और इनके अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या, काफी लोगों ने बताया कि आवाज नहीं आ रही है, एंड इट वाज इंटरेस्टिंग दैट ऑल ऑफ यू केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग कि आवाज नहीं आ रही है। सो दिस वाज नॉट अ कंटेंट इशू, दिस वाज अ नेटवर्क इशू, बट डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग को जब भी जैसे जब जब आवाज की जरूरत होगी हम लोग विल कीप टॉकिंग अबाउट इट। सो व्हाई वी सॉ ऑल दीज सीक्वेंसेस वर बिकॉज हम इनके थ्रू समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं एनिमेशन में और क्या क्या टाइप के एनिमेशन होती है। तो देखिएगा, जो सबसे पहले जो हमने देखा, ये टेक्स्ट बेस्ड एनिमेशन है। इसमें टेक्स्ट इटसेल्फ इज अ टेक्स्ट जो है वो अपने आप में एक कुछ कह रहा है और उसी के थ्रू ही कहानी कही जा रही है, और टेक्स्ट को ही घुमा करके या हिला करके उनसे जो है हम टेक्स्ट को एज अ कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज टेक्स्ट बेस्ड एनिमेशन। ये आफ्टर इफेक्ट्स नाम के एक सॉफ्टवेयर है जिसे बनाई जाती है। आफ्टर इफेक्ट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, बट वील बी टॉकिंग अबाउट सम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आल्सो हियर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ 2D एनिमेशन। ये एक पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट था जो बनाया गया था, उसका उसका एक छोटा सा स्निपेट है। देन ये एक एनिमेशन है जो कि ये काइंडनेस के ऊपर है, एक छोटा सा यूनेस्को के लिए बनाया गया था। इसके अंदर 2D और 3D दोनों को यूज किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है। सो दिस वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, इनको हम लोग समझ रहे होंगे अभी बस और कुछ ही टाइम में। तो अभी आप ज्यादा केवल आप ये समझ लीजिए कि 2D है या 3D है। ये एक और 2D एनिमेशन का एग्जाम्पल है, एंड इसके बाद में ये भी 2D एनिमेशन का एग्जाम्पल है, मगर इसके अंदर लाइट एफएक्स यूज किए गए हैं। एफएक्स ये चीज है, दीज आर कॉल्ड एफएक्स। दीज आर ये एल्गोरिदम से, ऑटोमेटेड एल्गोरिदम से बनाए जाते हैं, तो हम लोग इनके बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो एनिमेशन है, ये इसके अंदर क्या आप देख सकते हैं, ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया ये असली नहीं है, ये भी एनिमेटेड है। सो ये आपको दिखाने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी है हायर एंड एनिमेशन की। सो दिस इज 3D फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन, एंड इसके अंदर अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये देखें, जैसे ये गैलरी भी एनिमेटेड है। अब मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ, आप एक बार देखिएगा, ये देखिए, ये कंप्यूटर के अंदर, सॉरी, कंप्यूटर के अंदर ये जो चिड़िया है या ये जो गैलरी है, ये इस तरीके से स्टोर होती है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं किस किस तरीके से स्टोर हो रही है। ये और ये यही चीज के ऊपर, जब इसकी स्किन के ऊपर कुछ कुछ चीजें लगा दी जाती हैं और बाल लगा दी जाते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है, एक प्रोसेस है ये, उसके बाद में ये काफी फोटो रियलिस्टिक बन सकती है। मतलब समथिंग ऑलमोस्ट एज रियल एज द रियल थिंग, वो ऐसा कुछ हो सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन। एंड
ये जो है दिस इज फ्रॉम अ फीचर फिल्म, इट्स कॉल्ड ओके जानू। तो ओके जानू का एक ये गेमिंग का सीक्वेंस है। तो गेमिंग के अंदर, क्योंकि ये एक वीडियो गेम जैसा दिखाया गया था फिल्म के अंदर, एक ऐसा वो था, एक ऐसा स्टोरी का रिक्वायरमेंट था कि वीडियो गेम जैसा बनाया। उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो खुद गेम डिजाइनर था, तो उसने अपने आसपास के लोगों को लेकर के गेम बनाई थी। अब क्योंकि ये गेम है, इसलिए इसको हाइपर रियलिस्टिक किया गया था। तो पीछे वाली फोटो रियलिस्टिक थी, विच वॉज एज रियल एज द रियल थिंग। इसके अंदर कुछ चीजें जो कि रियलिटी से भी ज्यादा एग्जैगरेट किया गया है, अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं, कि उसको भी बढ़ाया गया। जैसे क्या, इसमें रिफ्लेक्शंस बढ़ाई गई हैं, इसमें लोग जैसे जंप करते हैं, जो कैरेक्टर्स जंप कर रहे हैं उनके ऊपर जो ग्रेविटी का असर है वो चेंज किया गया है। ये देखिए, ये कैसे ये जंप कर रहे हैं, है ना, इस किस्म की चीजें, इस किस्म की चीजें की गई। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ हाइपर रियलिस्टिक एनिमेशन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट दम लिटिल मोर। बट लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड वाई इज एनिमेशन रिक्वायर्ड। हम एनिमेशन में घुस क्यों रहे हैं? सारा कुछ तो हम लोग पेपर पेन से, ब्लैक बोर्ड से भी तो बता सकते हैं। हम लोगों को जरूरत क्या है एनिमेशन की? तो एनी एग्जाम्पल, एनी 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 इनपुट फ्रॉम योर यू ऑल, आप लोगों के हिसाब से एनिमेशन का एडवांटेज क्या है? हमें क्या जरूरत है एनिमेशन इस्तेमाल करने की? यस, तो जम्मू कश्मीर से अंजलि जी बता रही हैं कि इट इज इट मेक्स लर्निंग इजी, इट कैचेस अटेंशन। रियाज जी आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मुझसे। एंड किशन जी बता रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इट मेक्स वीडियोस मोर कैची, इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग। यस 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 यस, इट टचेस मेनी सेंसेस। आई एम नॉट श्योर इट टचेस मेनी सेंसेस। बेसिकली तो आंखें और कान ही हैं, वही वीडियो में है, वही क्लासरूम में है। बट या सो यस, इट एनिमेशन का जब हमने सोचा कि क्यों एनिमेशन किस तरीके से ये हमें वो करता है, इट मेक्स इट मोर एंगेजिंग। यस, दैट इज वन गुड आंसर सुरेश जी। ऐसी चीजों को दिखाना जो वास्तविक रूप से दिखाना संभव नहीं हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजस्थान से तरुण जी। सो बेसिकली व्हाट मेक्स एजुकेशन इंटरेस्टिंग एंड व्हाट मेक्स एजुकेशन यूनिक इज, एक तो है कि देखिए ये इट लाइटन्स द मूड, कि इमिडिएटली हमें जैसे ही हम कोई चीज एजुकेशन में देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, हम वी बिकम मोर रिसेप्टिव, है ना, हम उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखते हैं। हमको लगता है कि ठीक है, कुछ शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लोगों की अटेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स देखकर जल्दी समझते हैं। बिल्कुल, देन इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स अटेंशन इजीली, जैसा कि इतने लोगों ने अभी बताया। एंड देन एक और ये भी है, बहुत अच्छा एक किसी ने बताया था अभी, कि इट अलाउज अस टू डिपिक्ट डिफिकल्ट टू शूट टॉपिक्स। व्हेन आई से डिफिकल्ट टू शूट टॉपिक्स आर यू नो थिंग्स व्हिच आर नॉट प्रैक्टिकल टू शूट। फॉर एग्जांपल, कई बार कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, कोई बहुत किसी को घुटना रिप्लेसमेंट का, अगर हमें घुटना किसी का रिप्लेस होना है ना, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, तो अब वो किसी डॉक्टर को समझाना है, तो हो सकता है डॉक्टर के पास में उनके वहाँ पे पेशेंट्स अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसे में कैसे समझाया जाए, कैसे उसको डिस्कस किया जाए। तो वो सारी चीज़ों के लिए एनिमेशन इज अ वेरी गुड, यू नो, वेरी गुड वे ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स। देन कई बार होता है कि स्केल बहुत बड़ा होता है, देर आर वॉर लाइक सीक्वेंसेज, कि बहुत सारे आपको बड़े स्केल पे चीज़ें दिखानी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू शूट देम, तो उनको हम एनिमेशन से दिखा सकते हैं, ठीक है। उसकी इसी तरीके से इट देन ऑल्सो अलाउज अस टू डिपिक्ट फैंटेसी बेस्ड सिचुएशंस। सो कई बार होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं होती है। हम उड़ते हुए हाथी सोच सकते हैं, हम गाड़ियाँ अलग अलग किस्म की, हम एक्सीडेंट्स के बारे में, या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो ऑटो स्केल हो, उनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो पिकासो एक पेंटर हुए ना, उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग दैट दैट यू कैन थिंक इज रियल, जो भी आप सोचते हैं वो असली होता है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। तो उन चीज़ों को हमें डिपिक्ट करने के लिए, उन चीज़ों को लोगों को बताने के लिए हम एनिमेशन का सहारा ले सकते हैं। वो आइडियाज जो हमारे मन में हैं हम किसी और से शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए हम एनिमेशन का सहारा ले सकते हैं।
And then, of course, infographics at a much at a different level. Animated infographics are a great way to show to depict abstract concepts. कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो फिजिकल नहीं होते हैं, जैसे डिफरेंट किस्म अलग अलग किस्म के मैनेजमेंट के तरीके अगर हम किसी को बताना चाह रहे हैं तो उस दिस इज नॉट समथिंग जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है. दिस इज नथिंग टू शो, बट हम चार बॉक्सेस बनाकर के हम उसको शो कर सकते हैं, उनका उनकी पूरी हायरार्की दिखा सकते हैं. जैसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट्स में जाते हैं हमें इन्फोग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है, उनको हम एनिमेट कर सकते हैं. जैसे आज लक्ष्मी मैम ने हमको एनिमेशन दिखाई थी पावर पॉइंट की, तो उसी किस्म की पावर पॉइंट की एनिमेशंस वो भी इन्फोग्राफिक्स में ही आते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एनिमेशन. एज वी मूव अहेड लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनिमेशन को भी हमने देखा कि एनिमेशन का फायदा क्या है, पर एनिमेशन होता क्या है. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनिमेशन, एनी इनपुट्स ऑन दिस वन, कि आपके हिसाब से एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? यस, इतना नया तो नहीं होगा ये शब्द सबके लिए. सबके मन में कुछ ना कुछ ख्याल तो जरूर होंगे कि एनिमेशन क्या होता है. अगर हम उसे डिफाइन करना चाहें सिंपलेस्ट टर्म्स में तो क्या क्या कैसे कहेंगे? टू मूव समथिंग. वी कम बैक टू दिस. वेलकम मैम. कह रही हैं कि कुछ चीज जब मूव होती है तो एनिमेशन होता है. स्मूथ ट्रांजिशनिंग, मिनिमाइजिंग, जूमिंग, यस दैट इज राइट. कंटेंट विद मूवमेंट, मूविंग पिक्चर्स. ये बहुत लोगों को लग रहा है कि एनिमेशन इज अबाउट मूविंग थिंग्स, विच इज सो राइट. पर मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है इसके बारे में. अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम कह रहे हैं कि हम चीजों को मूव करते हैं तो वो एनिमेशन होता है, आप एक लैपटॉप के सामने बैठे हैं और लैपटॉप में एक एनिमेशन चल रहा है, उसमें क्या चीज मूव हो रही है? क्या आप मूव हो रहे हैं या लैपटॉप मूव हो रहा है या लैपटॉप की स्क्रीन मूव हो रही है? अगर आप सोचेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि कुछ भी मूव नहीं हो रहा है. क्यों? अब बताइए क्या चीज मूव हो रही है? कुछ भी मूव नहीं हो रहा है एक्चुअली. तो फिर हम क्या हम व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी थिंक दैट वी आर मेकिंग एन एनिमेशन बट देयर इज नथिंग मूविंग. सो जेके से लक्ष्मी मैम कह रही है इनोवेटिव एनिमेशन इज अबाउट ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल कंस्ट्रेंट्स, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी. यस दैट इज राइट, बट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन व्हाट इज एनिमेशन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स. एनिमेशन है क्या, होता क्या है? सिमुलेशन, यस सिमुलेशन इज अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग. नेहा मैम उत्तराखंड से कह रही है कि इट इज इल्यूजन ऑफ मूवमेंट ऑन लाइफलेस थिंग्स. दिस इज वेरी क्लोज टू यू नो व्हाट आई हैड इन माइंड. इट इज एन इल्यूजन. देखिए यस प्रदीप जी हैज आल्सो गॉट इट एब्सोल्युटली राइट. सो एनिमेशन में देयर इज एक्चुअली नथिंग मूविंग, नथिंग इज मूविंग, इट इज जस्ट एन इल्यूजन. इट इज जस्ट एन इल्यूजन. प्रदीप जी आई एम हैप्पी दैट आपने यू हैव स्पेंड सम टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. आपने शायद कुछ पीपीटीस आगे एडवांस में पढ़े हैं, विच इज वेरी गुड. एवरीवन शुड डू दिस. सो बेसिकली एनिमेशन इज अबाउट एनिमेशन. कुछ लोग कहते हैं कार्टून्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ग्राफिक्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मूविंग पिक्चर्स होते हैं, बट देयर इज नथिंग रियली मूविंग राइट. सो एनिमेशन इज अ मेथड इन विच फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज इफ दे आर मूविंग. दे आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस. दिस इज प्रोबेबली द सिंपलेस्ट वे इन विच हम एनिमेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि हम ये तरीका है जिसके अंदर उनको हम ऐसा इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि हमें लगे कि वो मूव कर रहे हैं. बगैर इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वर्चुअल इल्यूजन एज मिस्टर लोटस हैज जस्ट सेड. तो कैसे काम करता है एनिमेशन, लेट्स सी. सो एनिमेशन जो है, एनिमेशन की जो फिल्म्स हैं, एनिमेशन एज वेल एज टेलीविजन एंड फिल्म्स, ऑल ऑफ दिस दे यूज अ प्रिंसिपल. एक बेसिक प्रिंसिपल है हम कैसे देखते हैं. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? पूजा जी कह रहे हैं नो वॉइस. किसको किसको मेरी आवाज आ रही है? कौन कौन मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके ओके पूजा जी, आई थिंक इट इज अ लोकल आपके लेवल पर होगा. यू माइट वॉन्ट टू जस्ट रीजॉइन.
तो आवाज थोड़ी सी शायद क्लियर हो जाए, या आपकी वॉल्यूम देखिएगा, अपनी डिवाइस की वॉल्यूम देखिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो. सो बेसिकली एनिमेशन एंड फिल्म्स दे आर बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन. परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन में क्या क्या होता क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो आंख है, देखिए जो हम लोगों ने बचपन में सबने 6th 7th में पढ़ा हुआ है कि आंख का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. इसके आगे एक लेंस होता है, उसके आगे कॉर्निया होता है और पीछे एक स्क्रीन होती है जिसको रेटिना कहा जाता है. इस आंख के सामने जो भी चीज आती है, जो भी चीज आती है, ये लेंस से उसकी एक इन्वर्टेड इमेज पीछे रेटिना पे बनती है और वो वाली इमेज को जो इसकी एक नर्व होती है, ऑप्टिकल नर्व, उससे वो सीधा दिमाग में चली जाती है और दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है. दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है और क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं तो हमें पता होता है कि कैसी इमेज बनी है, तो उसका क्या मतलब है कि मेरे सामने भी जो चीज़ दिख रही है वो कितनी दूर है, कितनी बड़ी है. उसमें बहुत सारी चीजें, साइकोलॉजी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है. तो इस पूरी चीज में समझने वाली बात क्या है कि इसमें जो इमेज बनती है वो थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर चली जाती है. इसलिए दैट इमेज इज नाइदर परमानेंट नॉर टेम्परेरी, इट स्टेज फॉर सम टाइम एंड देन इट गोज. राइट नाउ जितनी देर में हम एक इमेज को देख रहे हैं और दूसरी इमेज अभी आई नहीं है, उस दौरान अगर देखिए, उस दौरान अगर ये देखिए, ये पहली पहले बॉक्स को देखिए. एनिमेशन में सिंपलेस्ट टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं, हमें एक इमेज दिखाते हैं, हमने एक इमेज दिखाई, फर्स्ट बॉक्स को देखी, उसके बाद में वो इमेज को दिखाने के बाद में हमने उसको हटाया. जब वो हट रही है उसके बिल्कुल साथ में या उसके बिल्कुल उसके एज क्लोज एज पॉसिबल हम एक और इमेज दिखाते हैं. ये हम कितनी देर में दिखा रहे हैं, जितना टाइम हमारा एक इमेज रेटिना तक हमें रहती है उतने टाइम तक. क्या कोई बता सकते हैं कि कितनी देर के लिए एक इमेज रेटिना में रहती है? हमारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बायोलॉजी टीचर्स को के लिए बहुत आसान है ये सवाल. वन बाय सिक्सटीन, यस इट इज बिटवीन 1/16 एंड 1/20 ऑफ अ सेकेंड. तो उस दौरान अगर हम एक इमेज दिखाएं, उसमें से कोई भी एक चीज बदल दें, कोई भी एक चीज हम उसकी बदल दें, या तो हम उसकी उसकी पोजीशन बदल दें, या हम उसका कलर बदल दें, या हम उसका साइज बदल दें, कोई भी एक चीज थोड़ी सी बदल करके हम पिछली इमेज को गायब कर दें, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो इमेज पहली इमेज से दूसरी जगह पे मूव हुई है. एंड इस प्रोसेस को अगर हम इस रिपीट करते जाए तो हमें लगेगा कि वो चीज मूव कर रही है, अपनी जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पर जा रही है. दिस इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच एनिमेशन इज डन. नॉट ओनली एनिमेशन, इनफैक्ट एंटायर टेलीविजन, मूवीज, एवरीथिंग, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इनफैक्ट हमारा जो टीवी, हमारा जो फोन है उसका भी एक रिफ्रेश रेट होता है. अगर आप उसके अंदर उसके डब्बे पे देखेंगे तो उसमें एक रिफ्रेश रेट लिखा होता है विच इज अबाउट 50 हर्ट्स. तो वो कितना तेजी से चीजें एक से दूसरी हो रही हैं, हर एक चीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. यस इट इज दिस प्रिंसिपल देन इट गेट्स ट्रांसलेटेड अबाउट टू FPS. समबडी हैज सेड इट इज ऑल अबाउट FPS. यस, FPS इज फ्रेम्स पर सेकेंड. ये इससे हमारा ये निकलता है, इससे हम डिसाइड करते हैं कि हम जो फिर वीडियो बनाएंगे उसमें कितने फ्रेम्स एक सेकेंड में होंगे. नॉर्मली जो हम इंडिया में सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसमें 25 फ्रेम्स एक सेकेंड में होते हैं. जो यूरोपियन सिस्टम है उसको NTSC कहते हैं, उसमें 29.98 फ्रेम्स पर सेकेंड होते हैं, विच इज अबाउट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड. वी आर नॉर्मली यूजिंग 25 फ्रेम्स पर सेकेंड. जो फीचर फिल्म्स होती हैं, जो रील्स होते हैं, दे यूज 24 फ्रेम्स पर सेकेंड. राइट नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आती है. वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए, हमने ये समझा कि हम जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग एनीथिंग हैविंग अ स्क्रीन, ठीक है, इवन इवन अ माइक्रोवेव की छोटी सी स्क्रीन भी, एक कैलकुलेटर भी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर यूजिंग दिस प्रिंसिपल. राइट सो एनिमेशन इज सो सो मच
intertwined with electronics, consumer electronics as we see it. But there is one, at least one way, one application of animation which predates television, जो टीवी से भी पहले आया था और फिल्म से भी पहले आया था. एक कम से कम एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में मेरे को पता चला जो कि इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है, मगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते. क्या आप सोच सकते हैं वो क्या है? ये देखिए, एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा. ये ध्यान से देखिएगा क्या चीज हो रही है इसके अंदर, इस वीडियो में. या यस सो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बचपन में ये सब यूज करते थे. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लिप बुक. एंड फ्लिप बुक इज कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटी सी किताब है. उस पर छोटे 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 उसमें पिक्चर्स बनाई गई हैं, और जब उनको हम हाथ से फ्लिप करते हैं, हम हाथ से उनको एक के बाद एक जब उनको दिखाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि चीजें मूव हो रही हैं. मगर किसी ने चीज आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इमेज और दूसरी इमेज उनके बीच का जो फर्क है वो बहुत ही महीन हो, बहुत ही कम हो. जैसे ही वो ज्यादा फर्क हो जाएगा तो हमारा जो इल्यूजन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं एनिमेशन का, वो काम नहीं करेगा. राइट, इट कुड बी जो फर्क है वो कलर में हो सकता है. ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे हमने इसको ब्लू को ग्रीन किया, इसके ये देखिए ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन किया. ये कलर का फर्क हो सकता है, उनकी पोजीशन का फर्क हो सकता है, उनके साइज का फर्क हो सकता है, उनके स्ट्रक्चर का शेप का फर्क हो सकता है, मगर सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता. कोई भी एक छोटी सी चीज को चेंज कीजिए और ये इसको बनाने के लिए आपको कोई आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है. आपको ड्राइंग सीखें तो बहुत ही अच्छी बात है, ड्राइंग सीखने की जरूरत नहीं है इसके लिए. आप बेसिक बेसिक मैचस्टिक फिगर्स से भी चीजें बना सकते हैं, आप कहानी कह सकते हैं. तो आज हम यही सीखेंगे कि हम कैसे हम बेसिक बेसिक चीजों से कहानी कह सकते हैं जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल हो. तो हम आगे बढ़े इससे पहले आइए समझते हैं कि कितने किस्म की एनिमेशन हो सकती है. हमने कुछ शब्दों के बारे में हमने डिस्कस किया था जब हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, तो उनके अंदर थे, हमने देखा था कि ना एक शब्द आया था 2D एनिमेशन, एक शब्द आया था 3D एनिमेशन, और कुछ न्यू मीडिया एनिमेशन होते हैं जिसके अंदर ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी भी होते हैं. तो इसमें क्या मेरी आवाज बहुत कम आ रही है या वीडियो की आवाज की बात कर रहे हैं? किसी ने बोला, शबनम जी ने बोला कि आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. तो अगर मेरी आवाज कम आ रही है तो थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ. अच्छा ठीक है. तो हमने ये देखा कि अलग अलग किस्म की एनिमेशंस होती हैं, जो कि हमने इनका एग्जांपल देखा था, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और कुछ न्यू मीडिया एनिमेशन भी होती हैं. तो होता क्या है 2D एनिमेशन? डी का मतलब है डायमेंशन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डायमेंशन? नाउ व्हाट इज डायमेंशन इज, देखिए हमारे अब ये मैथ्स वाले जो हमारे लोग हैं और फिजिक्स वाले जो लोग हैं, वो लोग हम लोग को बोलेंगे कि यार ये क्या दिखा रहे हो आप हमको, मगर ये उनको दे विल हैव टू जस्ट टॉलरेट अस फॉर सम टाइम सो दैट रेस्ट ऑफ अस कैन रिवाइज व्हाट अ डायमेंशन इज. एंड सो यू सी, एक डायमेंशन इज अ सिस्टम इन विच, इट्स अ मैथमेटिकल सिस्टम इन विच वी कैन सी
उस सिस्टम में हम कैसे चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ जीरो डायमेंशन इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट. अ पॉइंट थ्योरेटिकली स्पीकिंग इट डजंट हैव लेंथ ब्रेथ और हाइट. उसके अंदर थ्योरेटिकली केवल अगर हम बात करें तो पॉइंट के अंदर कुछ कोई भी उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है. उसको हम एक जीरो डायमेंशनल सिस्टम कहते हैं. एक वन डायमेंशनल सिस्टम होता है जो कि उसमें केवल हम आगे या पीछे जा सकते हैं. उसके अंदर हम लोग ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं. तो दैट इज अ जीरो डायमेंशनल सिस्टम, राइट. तो जीरो जैसे एक रेलगाड़ी है, जैसे एक रेलगाड़ी में वो रेलगाड़ी केवल आगे जा सकती है या पीछे जा सकती है ना. देन उसके बाद में है 2D एनिमेशन. 2D एनिमेशन इज जब हम अगर हम जैसे अगर हम जमीन पर चलते हैं तो हम आगे पीछे भी जा सकते हैं और हम लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं. सो दैट इज अ 2D एनिमेशन सिस्टम. एंड 3D एनिमेशन सिस्टम इज जिस तरीके से बर्ड्स या एरोप्लेन चलते हैं जो कि ऊपर नीचे भी जा सकते हैं. तो ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? हम ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जो अगर किसी एनिमेशन में जो चीजें हैं, जो स्प्राइट्स हैं, एनिमेशन में जितनी भी चीजें होती है ना जो हिलती हैं उनको स्प्राइट कहा जाता है. तो जो स्प्राइट्स हैं वो अगर टू डायमेंशनल है, मतलब वो फ्लैट हैं, दे डोंट हैव एनी डेप्थ, और जिस जगह पे वो मूव कर रहे हैं वो जगह भी फ्लैट है, तो इसको 2D एनिमेशन कहा जाता है. और अगर हमारे जो स्प्राइट्स हैं वो 3 डायमेंशनल है कंप्यूटर के अंदर और जिस स्पेस में वो मूव कर रहे हैं वो भी 3 डायमेंशनल है, तो उसे 3D एनिमेशन कहा जा सकता है. दोनों के बीच में भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं. हम लोग 2D स्प्राइट्स को 3D स्पेस में मूव कर सकते हैं और 3D स्प्राइट्स को 2D स्पेस में भी मूव कर सकते हैं. तो जैसे देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि एनिमेशन फिल्म विच इन्वॉल्व्स फ्लैट कैरेक्टर्स मूविंग ऑन अ 2D कैनवस, इट्स कॉल्ड अ 2D एनिमेशन. एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये देखा था थोड़ी देर पहले, इसके अंदर अगर आप देखें ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ये जितने कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर डेप्थ नहीं है. दे आर लाइक, आप सब इनको इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक कागज को काटा गया हो कैंची से. तो ये सारे के सारे अलग अलग लेयर्स पे बने हुए अलग अलग फ्लैट कैरेक्टर्स हैं. और इनके अंदर अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई ये जो घोड़ा है या गधा है इसके पीछे इसका रंग कैसा है या इसके पीछे कोई धब्बा तो नहीं है, तो मेरा जवाब होगा कि इसके पीछे का कुछ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. केवल केवल एक ही साइड एग्जिस्ट करती है इसकी, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, बिकॉज ये एक 2D एनिमेशन है. अब 2D एनिमेशन में जब हम एक 3D इंफॉर्मेशन या 3D स्टोरी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हम जिस दुनिया की बात करते हैं वो तो 3 डायमेंशनल है, हम उसकी कोई कहानी बताना चाहते हैं और हमारे पास में कंस्ट्रेंट है 2D का, तो हम कैसे करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं कंपोजिटिंग के रूल्स को. हम देखते हैं कि जो चीज़ हमसे दूर होती है वो छोटी हो जाती है, जैसे हमें दिखता है बिल्कुल वैसे ही, या जैसे एक पेंटिंग में दिखता है. तो देखिए, जैसे ये एक घोड़ा गाड़ी है, ये बहुत बड़ी है, और पीछे एक और घोड़ा गाड़ी है जो कि छोटी है. वो छोटी है इसलिए हमारी हमारा दिमाग और हमारी आंखें उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रही हैं कि वो हमसे दूर है. तो ये दूर और पास यानी जेड एक्सिस, इसका हमने एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया केवल उनको एक दूसरे के आगे पीछे दिखाने से और उनके साइज को चेंज करने से. 2D एनिमेशन में हमें इन चीजों का यूज करना पड़ता है जिसमें हम उनको स्केल को छोटा बड़ा करते हैं और उनके डिस्टेंस को छोटा बड़ा करते हैं. एक और एग्जांपल है, इस वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इस वाली पिक्चर में कुछ चीजें जो हैं जो हमसे पास है, जैसे ये चट्टान पे एक डाकू बैठा हुआ है, ये हमारे पास है, तो ये बड़ा भी है, इसको बड़ा दिखाया गया तो ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि हमसे पास है. इसकी चट्टान जो है वो पुलिस वाले का एक पैर कवर कर रही है, ये जो एक दूसरे में कवर करने से भी दूर और पास का इल्यूजन क्रिएट होता है. बट क्योंकि अब आप लोग सब समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नथिंग हैपनिंग, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये सबके सब केवल फ्लैट हैं और ये सबके सब एक ही लेवल पर हैं, हमसे उतनी ही डिस्टेंस पर हैं, एक ही स्क्रीन पर हैं, तो कोई दूर कोई पास है नहीं, केवल एक इल्यूजन है. तो वो इल्यूजन कैसे क्रिएट हुआ? छोटा बड़ा करने से और एक दूसरे को कवर करने से.
और एक तीसरी चीज जिसका इस्तेमाल किया गया वो था इंटरेक्शन बिटवीन लेयर्स। ये सब अलग अलग लेयर्स होती हैं, अभी लेयर्स पढ़ी हैं अभी पिछले कुछ सेशंस में, तो इन लेयर्स के बीच में आप देखिएगा जब एक लेयर दूसरे के सामने आती है तो एक स्पेशली एक शेडो जैसा कुछ क्रिएट किया गया। नाउ शेडो इज अबाउट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन दीज लेयर्स। ये सब चीजें हम नहीं भी बनाएंगे तब भी ये ऐसा ही दिखेगा, मगर उसको बनाएंगे तो वो एक ज्यादा इल्यूजन हमारा ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, राइट। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो है आप ये देखिए पीछे अगर आप देखेंगे स्काई में एक एक बर्ड जैसा कुछ है, ये बर्ड केवल एक छोटा सा काले रंग का धब्बा है जो कि बस मूव कर रहा है, मगर इसको मूव कराने से पूरा का पूरा सीन फोटो रियलिस्टिक या थोड़ा सा रियलिस्टिक बन जाता है, या पीछे घास है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट। सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी एनिमेशंस। प्राइमरी एनिमेशंस तो हो गई कि भाई जो हम कहानी कहना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, सेकेंडरी एनिमेशंस हो जाती हैं जो डायरेक्टली जो है कहानी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, मगर उस सीन को जीवित करने के लिए, जीवांत दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो हमने देखा 2D एनिमेशन क्या होता है, और 3D एनिमेशन जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये होता है जिसके अंदर कैरेक्टर्स भी 3D हैं और स्पेस भी 3D है। अब फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अब इसको देखिएगा, छोटा सा एनिमेशन है 30-40 सेकंड का है, शायद उससे भी छोटा है, ये देखिए। So this was an example of a 3D animation. Why this is called 3D? Now if you look at this boy, आप इस लड़के को देखेंगे तो इसका जो सिर है तो वो गोल ही, मगर उसके अंदर उसके अंदर एक शेडो का एक किस्म की शेडो इस्तेमाल की गई है, जिसके कारण उसके सिर का ऊपर का हिस्सा ज्यादा ब्राइट है और नीचे का हिस्सा डार्क है, जिसके कारण हमें ये स्फेरिकल लग रहा है, हमें ये एक एक बॉल की तरह दिख रहा है, गेंद नुमा लग रहा है। मगर अब आप देखिए कि ये चीज हो कैसे रही है, ये चीज ऐसे हो रही है कि कंप्यूटर के अंदर ना केवल ये स्टोर किया गया है कि ये इसकी 3D शेप क्या है, बल्कि ये भी स्टोर किया गया है कि ऊपर से लाइट आएगी, वो रोशनी का एक सोर्स क्रिएट किया गया और वो सोर्स के कारण ये 3D बना ना, तो वो लाइट कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है और इसकी स्किन से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, ये सारी चीजें कंप्यूटर में स्टोर की गई, एक वर्चुअल दुनिया बनाई जाती है कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स होता है, उसमें लाइट होती है, ग्रेविटी होती है, अगर हम पानी के अंदर होते हैं तो उसमें विस्कोसिटी भी होती है, ये सारी की सारी चीजें जब उसमें डाली जाती हैं और एक उसके हिसाब से कंप्यूटर इन सब चीजों को प्ले करता है, प्ले मतलब इन सब चीजों को आपस में इंटरेक्ट करता है और एक एक फ्रेम क्रिएट करता है। रियाज जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मगर वो 3D के बारे में नहीं, रियाज जी ने लिखा है कि आई गेस लेयर्स प्ले ग्रेटर रोल इन 3D एनिमेशन, एक्चुअली इट इज द अदर वे अराउंड, 2D एनिमेशन में लेयर्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि 2D एनिमेशन में अल्टीमेटली सब कुछ फ्लैट है तो उनको आगे या पीछे करना जरूरी होता है, 3D एनिमेशन में ये एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होते, एक 3D वर्ल्ड में होते हैं, तो हम लोग अभी उसकी बस और थोड़ी सी देर में हम बात करेंगे उसका। सो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, मगर वो 2D एनिमेशन के लिए है, 3D एनिमेशन में लेयर्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता। तो इसके अलावा देखिए एक छोटा सा बस इसको कवर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कि इसके अलावा देखिए एक और तरीका है जिससे हम एनिमेशन को डिवाइड कर सकते हैं उसको समझने के लिए, एक तो ऑफकोर्स हो गया कैरेक्टर बेस्ड जो हमने देखे जिसपे स्टोरी होती है कैरेक्टर होता है, और एक हो गया इन्फोग्राफिक बेस्ड। इन्फोग्राफिक बेस्ड एनिमेशन जो होते हैं उसका एग्जाम्पल जो है एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल इसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फोग्राफिक एनिमेशन, ऑल्दो थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड है मगर अल्टीमेटली हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। सिमिलरली जब हम यहाँ पर बात करते हैं यू नो फॉर यू नो एग्जाम्पल लाइक दिस,
दिस इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फोग्राफिक एनिमेशन, जहाँ पे हम इन चीजों के थ्रू हम कुछ इंफॉर्मेशन हैवी चीज बताना चाह रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू सम निटी-ग्रिटीज की भाई एनिमेशन को बनाया कैसे जाए. तो देखिए, कोई भी जब हम क्रिएशन करते हैं, कोई भी चीज अगर हम बना रहे हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो रेडियो प्रोग्राम हो, चाहे वो टीवी प्रोग्राम हो, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. तो एनिमेशन को बनाने के लिए तीन स्टेप्स, तीन फेजेस में उनको समझ सकते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन तो है जहां पे एक्चुअल उसका काम किया जाता है. ठीक है, प्री प्रोडक्शन है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, और पोस्ट प्रोडक्शन है जब उस काम को कर लिया, उसको उसकी फिनिशिंग कैसे की जाए, उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाए, और ऐसा कैसे बनाया जाए कि वो एक्सपीरियंस क्रिएट हो जो कि यूजर्स को, यूजर्स तक पहुंचे. तो प्री प्रोडक्शन का बेसिकली मतलब, उसका जरूरत क्या है प्री प्रोडक्शन की? प्री प्रोडक्शन की जरूरत है कि मोर कि वेरी ऑफन, ज्यादातर एक एनिमेशन प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस की जरूरत होती है. तो जब हम मल्टीपल लोगों के साथ में काम कर रहे होते हैं, तो ये जरूरी है कि सभी लोग ये समझें कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें हम कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, हम क्या क्रिएट करने वाले हैं. तो उसके लिए एनिमेशन में प्री प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. प्री प्रोडक्शन में हम टिपिकली शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नोट से, जो कि इट कुड बी जस्ट हाफ अ पेज लॉन्ग, एक पेज या आधा पेज जितना लंबा हो सकता है, जिसके अंदर हम बेसिकली लिखना चाहते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, किसके लिए करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, इस किस्म की चीजें. उससे अगर ये फिक्शन बेस्ड है तो हम एक स्क्रिप्ट पर आते हैं. स्क्रिप्ट में हम बताना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, तो उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है. और ये मैं वही बता रहा हूँ, ये देवेंद्र जी पूछ रहे कि सर इनको बताते कैसे हैं, वही बताओ. देवेंद्र जी, एक बहुत अच्छा एक किताब है जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ. इसको खरीदिएगा, आपको समझ में आएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि बनाते कैसे हैं, फ्यूचर में बताया जाएगा, तो वो अभी है नाउ, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं. तो हम कॉन्सेप्ट नोट की हमने बात की, देन हमने बात की कि स्क्रिप्ट की, कि स्क्रिप्ट कैसे, इन चीजों से हम स्क्रिप्ट पर आते हैं. स्क्रिप्ट से हम स्क्रिप्ट के जो कैरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट के जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर आते हैं. वहां से स्क्रीन प्ले की हम अभी बात करेंगे, जिसके अंदर है कि स्क्रिप्ट प्लस कैमरा मूवमेंट्स, जब वो उसमें स्क्रिप्ट में ऐड की जाती है, उसे स्क्रीन प्ले कहते हैं, और उससे स्टोरी बोर्ड पर आते हैं. तो आइए एक बार देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट नोट की बात करते हैं. तो सबसे पहले हमने एक वीडियो देखा था, जो कि था एक कैरेक्टर था जिसका नाम था अश्व कुमार. तो अश्व कुमार एक बेसिकली कैरेक्टर है जो कि बनाया गया था कुछ ऐसी कम्युनिटीज के लिए जो घोड़ों के लिए काम करती हैं, घोड़ों के रखरखाव के लिए, और घोड़ों को अपने को पालती हैं, उन्हें कुछ मैसेजेस देने के लिए, उन्हें कुछ गुड प्रैक्टिसेस समझाने के लिए. तो उसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि कोई ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए जो उन तक ऐसी बातें बताए जिनसे कि वो अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सके. अब वो लोग इस काम को, जो वो काम करते हैं, वो कई सालों से करते आ रहे हैं, कई जनरेशन से करते आ रहे हैं. तो उन्हें जब हमें बताना है कि सब आप बेटर कर सकते हैं, तो हम कैसे बताएंगे? तो इसलिए जरूरी है कि कैरेक्टर ऐसा हो जो उनको आइडेंटिफाई कर सके, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके, राइट? सो दैट इज वेयर कैरेक्टर डिजाइन वाज इम्पोर्टेंट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स वर मेड, उनको एक कुछ कम्युनिटी के लोगों को दिखाया गया, उनसे उनके इनपुट्स लिए गए, और वो सब लेने के बाद में इन अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ करके, उनको जोड़ करके, और कुछ चीजें उनमें से जो पॉजिटिव चीजें लगी, जो खराब चीजें लगी, उनको जोड़ जाड़ करके एक कैरेक्टर ऐसा बनाया गया जो कि हमें ऐसा लगा कि सभी लोग उससे आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उससे सीख सकेंगे, राइट?
वील कम बैक टू 2D एनिमेशन पाइपलाइन संजीव जी, बस तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है आज, वील बी कमिंग बैक टू इट, तो आप तब स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। एंड इन एनी केस पीपीटी जो है ये वाला, ये आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सो हमने देखा कि कैरेक्टर कैसे डिजाइन होता है, ये कैरेक्टर डिजाइन का एक एग्जाम्पल हमने देखा। कैरेक्टर डिजाइन करने के बाद में हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की, कि स्क्रिप्ट कैसे होती है, कैसे बनती है, ठीक है। तो ये देखिए मैं एक एक स्क्रिप्ट शेयर करता हूं, ये देखिए, ये दिस इज व्हाट अ स्क्रिप्ट लुक्स लाइक। ये एक एग्जांपल है एक छोटी से फिल्म के स्क्रिप्ट का, हम इसको डिटेल में देखते हैं। एक छोटा सा पार्ट हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे सभी लोग जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी समझ जाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें सीखने वाली बातें क्या हैं। ये उसी फिल्म की स्क्रिप्ट है जिसमें हम एक घोड़े वाली फिल्म की जो बात कर रहे थे उसी की, ये छोटी सी 3-4 मिनट की फिल्म की, जो कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट समझाने के लिए थी। तो इसके अंदर ये देखिए, इसमें कैसे हमने डिस्क्राइब किया है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है, जहां चारों ओर जानवर बंधे हुए हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं, कहीं लाउड स्पीकर का प्रचार चल रहा है, चारों ओर लोगों और जानवरों की आवाजें आ रही हैं, वहीं मेले के एक कोने में दो लोग बैठे बात कर रहे हैं। अब दो लोग क्या बात कर रहे हैं, एक पूछता है, हसन पूछता है, क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले कोई अपनी पसंद का। तो हीरा कहता है, यही तो परेशानी है हसन भाई, यहाँ घोड़े तो बहुत है मगर कोई अच्छी अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। तभी वहां पर एक और कैरेक्टर आ जाता है, जो कि इसका नाम है होशियार चाचा। वो कह रहे हैं कि क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान, अब चाचा से बेहतर ये कौन बता सकता है, क्यों सही कहा ना हसन मियां। नाउ यहाँ पे होशियार चाचा जो है ये एक थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है, ये इसका नाम होशियार है। वो कह रहे हैं, देखिए हीरा भाई, इनके चक्कर में मत पड़ना, ये केवल नाम के होशियार हैं, गांव में इनके चर्चे तो तुमने सुने ही होंगे। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव कैरेक्टर बनाया गया है। अब हमने स्क्रिप्ट में तो लिख दिया नेगेटिव कैरेक्टर, मगर वो नेगेटिव कैरेक्टर को कैसे दिखाया जाए और कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये जरूरी है कि ये देखिए, विल जस्ट गो बैक टू द पीपीटी एंड आई विल शो यू। एक बार इसको वापस आते हैं हम लोग इसके ऊपर, एक बार हम एक चीज और मैं आपको बता दूं, देन वी गो देयर। एक तो बेसिकली जो हमने प्रोसेस किया था कैरेक्टर डिजाइन करने का, वो एक एक कैरेक्टर को समझ करके उसके लिए रिपीट किया जाता है। जो हमने अशोक कुमार का कैरेक्टर बनाया था, उसी तरीके से हसन का कैरेक्टर कैसा होगा, हीरा का कैसा होगा, होशियार चाचा का कैसा होगा, ये सब बनाया जाता है। एंड इसके अलावा स्क्रिप्ट में एक और चीज इम्पॉर्टेंट है जो कि मार्क करनी है, वो है कि डिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ चीजें येलो कलर से मार्क की गई हैं, तो इसमें जैसे ये जो है ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को अलग से मार्क करना जरूरी होता है, और इसको काट चाट करके मिनिमम इतना रखा जाए जितने की, जिससे कि बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। तो ये एक चीज स्क्रिप्ट में की जाती है। तो आइए अभी देखते हैं कि इस स्क्रिप्ट से जब हम आएंगे स्टोरी बोर्ड में, तो ये देखिए, ये है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या होता है, स्टोरी बोर्ड होता है कॉमिक, इट्स समथिंग लाइक कॉमिक बुक, जिससे कि देखिए जस्ट वेरी क्विकली इफ आई go back to, if I go back to this 2D animation pipeline, storyboard is the last stage of pre-production. Storyboard pre-production का हमारा जो हमने purpose समझा था वो ये था कि सभी लोग एक पेज पर आ जाएं, सभी लोग समझ जाएं पूरी की पूरी टीम कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल clearly समझने के लिए almost animation जैसा ही बन जाए, कि animation बनेगी कैसे, कैसी दिखेगी, उस वो चीज स्टोरी बोर्ड है। सो स्टोरी बोर्ड इज वेरी क्लोज टू एनिमेशन, बट इट इज, देयर इज नथिंग मूविंग इन इट, इट इज जस्ट अ, इट्स समथिंग लाइक अ कॉमिक बुक। तो देखिए जो पहला
सीन हमने पढ़ा था कि एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है जहाँ चारों ओर जानवर बंधे हुए हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं। उसको जब हम स्टोरी बोर्ड में देखेंगे तो वो कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पर हमने, आप लोगों ने आई एम श्योर कुछ अलग अलग टाइप के शॉर्ट्स देखे होंगे, पढ़े होंगे इससे पिछले सेशंस में। तो ये अलग अलग टाइप के शॉर्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज एन एरियल शॉट। स्टोरी बोर्ड में कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस एरो, दिस शोज कि कैमरा लेफ्ट से राइट पैन होगा। ठीक है, पैनिंग के बारे में, कैमरा पैनिंग आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। जब हम कैमरे को लेफ्ट से राइट मूव करते हैं उसको पैनिंग कहा जाता है। और उसके बाद में हम एंड में है कि वही मेले के कोने में दो लोग बैठे बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से ये दो लोगों पर आ गए। तीसरी स्क्रीन पर देखिए, हम कहाँ से शुरू हुए थे? हम एक एरियल और वाइड शॉट से शुरू हुए थे और हम पहुंचते पहुंचते अब हम एक ये लॉन्ग शॉट तक आ गए जहां पर हम ये दो लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, ये जब दो लोगों को देखा, ये थर्ड शॉट देखिए और ये फोर्थ शॉट है। हम लोग और करीब आ गए उससे। जब इन लोगों ने बातचीत करनी शुरू की और जब ये तीसरे करेक्टर भी आ जाता है और जब हम ये लोग बीच में फुसफुसा करके बात करते हैं तो हम और भी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। सो ये जो क्लोज और वाइड आने का एक पूरा का पूरा ग्रामर है, दिस टेक्स इनटू अकाउंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स एंड वी हैव टू डिसाइड कि हम किस एंगल से हम बात कर रहे हैं, किस एंगल, किस कौन सा एंगल बेस्ट है उनको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दो लोग बात कर रहे हैं, हम इनको एक दूसरे को, वी कुड हैव मेड इट दिस वे ऑल्सो कि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, पर अगर ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते तो कैमरा एक टाइम पर एक ही को देख पाता और दूसरे की बैक आ रही होती। यहाँ पर हमने इनको 90 डिग्रीज पर एक दूसरे को फेस किया, जिससे हम एक कैरेक्टर को तो बिल्कुल, जो बोल रहा है उसको तो बिल्कुल क्लियर, उसका तो फ्रंटल देख रहे होंगे और दूसरे का हम प्रोफाइल देख रहे होंगे, मतलब साइड से देख रहे होंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि वो इसको सुन रहा है। जब ये बोलेगा तो कैमरा इस तरीके से मूव हो जाएगा कि इसका फ्रंट हो जाएगा और इसका प्रोफाइल हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं शॉर्ट टेकिंग के बारे में। नाउ ये एक जो कैरेक्टर हमने दिखाया था कि जो थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है, ये इसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि ये कुछ बातें करेगा बहुत होशियारी की, मगर उसकी बातों में कुछ कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा कि जिसको इस्तेमाल, इसको फॉलो करने से कोई फायदा होगा। तो इसके कैरेक्टर को ऐसा बनाया गया है कि ये स्मार्ट ना दिखे, ये यू शुड नॉट इंस्टिल कॉन्फिडेंस। दैट वाज द ब्रीफ व्हाइल डिजाइनिंग दिस कैरेक्टर कि इस पे अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हमारी मैसेजिंग पूरी गलत हो जाएगी। लोग अगर इसको फॉलो करने लग गए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इसको कैरेक्टर को थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया कि फनी है। और अभी हम आगे देखेंगे कि हमने और क्या क्या किया इसको फनी दिखाने के लिए। तो ये दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्टोरी बोर्ड डिजाइन। ठीक है, इसी में आगे चल करके जो है ये कैरेक्टर आता है राइट साइड में जो घोड़े पर है। नाउ ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है जो कि सारी की सारी सही सलाह दे रहा होता है। तो जो लेफ्ट वाला है होशियार चाचा, वो सब बातें करेगा बड़ी बड़ी मगर यूजफुल नहीं होंगी। ये अश्व कुमार है जो कि, नाउ इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, वो ऐसा होगा विच शुड इंस्टिल कॉन्फिडेंस। सो यू नेचुरली, जो व्यूअर्स हैं, हम चाहेंगे कि वो नेचुरली इस बात को समझे अपने एक्सपीरियंस से कि ही इज द वन टू बी फॉलोड। देन ऑफ कोर्स इसके बाद हमने सीन डिजाइन वगैरह ये सब कुछ देखा। और ये करने के बाद में जब हमारा स्टोरी बोर्ड बन जाता है, उसके बाद में जब हम पहली बार इसको एनिमेट करते हैं तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला ये एनिमेशन का तरीका ये था, इसके अंदर हमने स्क्रैच वॉइस ओवर इस्तेमाल किया। नाउ आई विल जस्ट ब्रीफली गो बैक टू द एनिमेशन पाइपलाइन।
तो हमने स्टोरी बोर्ड तक हम पहुंच गए थे। स्टोरी बोर्ड के बाद में हम सीन्स डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर की सीन का बैकग्राउंड डिजाइन करते हैं। एक एक कैरेक्टर कैरेक्टर्स जो हमने ऑलरेडी डिजाइन कर दिए थे, अब हम उनके एनिमेशंस को डिजाइन करते हैं, सेकेंडरी एनिमेशंस डिजाइन करते हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली स्टोरी को अफेक्ट नहीं करती मगर इम्पॉर्टेंट होती है। हम लोग बैकग्राउंड एनिमेशंस डिजाइन करते हैं एंड देन वी कंपोजिट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सारा कुछ करने के बाद में देन वी कम टू रिकॉर्डिंग डायलॉग्स, एडिटिंग इट टुगेदर। एडिटिंग एज यू नो, एडिटिंग जैसे ओपन शॉट में आपने सीखा है, दिस इज द एडिटिंग इज द एडिटिंग इज द प्रोसेस इन विच द फाइनल एक्सपीरियंस जो लोग जो यूजर को मिलेगा वो क्रिएट किया जाता है। उसमें साउंड इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, उसमें म्यूजिक डिजाइन बैकग्राउंड में किया जाता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइनल एक्सपीरियंस एंड देन द फाइनल थिंग विच इज मास्टरिंग, जिससे कि सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट किया जाता है। वो यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा है कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर एनिमेशन। देर आर क्वाइट अ फ्यू सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज। एक सॉफ्टवेयर का नाम है आफ्टर इफेक्ट्स, जो कि जैसा मैंने बताया कि इट इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज अ पेड सॉफ्टवेयर। दिस इज अनदर सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड ओपन टून्स, ओपन टून्स, यस स्क्रीन क्राफ्ट इज ऑल्सो देयर। सो आई वुड सजेस्ट आप लोग ओपन टून्स भी ट्राई कीजिएगा। देन यू नो ऑल ऑफ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो हम लोग अभी आज सीख रहे हैं, ये आप इनसे भी कर सकते हैं, ओपन शॉट से भी कर सकते हैं। और ड्राइंग स्किल्स, क्या किसी ने पूछा सुनील जी ने कि ड्राइंग स्किल्स की जरूरत है या नहीं? ऑफ कोर्स ड्राइंग स्किल्स की जरूरत है, दिस इज जस्ट दिस इज 100% अबाउट ड्राइंग्स। बट एट द सेम टाइम आप यू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हम लोग ये सीख रहे हैं, जो ऊपर जितनी चीजें लिखी हुई हैं, डायलॉग रिकॉर्डिंग, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड एनिमेशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं सही सच कुछ है भाई, सब कुछ। ईच ऑफ देम इज अ प्रोफेशन इन इटसेल्फ। ये सारा कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब लोग हैं जिनकी जिंदगी निकल जाती है केवल वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, और इट्स अ कैरियर दैट इज बिल्ड। नाउ वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अस टू बी गुड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमें क्या समझना है, हम सारी चीज नहीं सीख सकते हैं, मगर हम क्या सीख सकते हैं, हम हर एक इन सारे के सारे कामों का आउटपुट क्या है वो समझ सकते हैं, और उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है वो समझ सकते हैं। और अगर हम इनको इस्तेमाल करके किसी प्रोफेशनल से अगर हम करवाएं, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें और हम उनसे उनको कैसे गाइड करें वो समझ सकते हैं। इसलिए एज एन एजुकेशनिस्ट माई सजेशन वुड बी दैट जो पहला बॉक्स है, जो प्री प्रोडक्शन का बॉक्स है, वो उसको बहुत ध्यान से समझें, बिकॉज दैट इज वेयर दैट इज समथिंग जो केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट होगा। आप जानते हैं कि आप क्या, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू यू नो टीच योर स्टूडेंट्स, या आप कहानी में क्या कहना चाहते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट नोट, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर डिजाइन, इन चीजों को बहुत टाइट रखिए, इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, अगर एक बेसिक फिल्म बन रही है तो हो सकता है आप एग्जीक्यूट भी कर लें, कुछ सॉफ्टवेयर आप लोग अभी सीख रहे हैं और हम भी कुछ आपको बता रहे होंगे, तो या तो आप वो सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं, और या फिर अगर आप लोग किसी टीम कोई की का प्रयोग का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो लोग कर रहे होंगे इस चीज को। सो द पर्पस इज नॉट टू यू नो नॉट टू लर्न द सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो आप सीखेंगे और वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगे। मतलब एक सॉफ्टवेयर 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में डेफिनेटली खत्म हो जाता है, मगर ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। ठीक है, नाउ जो हमने स्टोरी बोर्ड बनाया था, तो जस्ट वेरी क्विकली आप लोगों ने, क्योंकि अभी किसी ने मेंशन किया है, तो ये आप लोग आई एम श्योर आप लोग सीख ही चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स, लॉन्ग शॉर्ट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉर्ट, मीडियम लॉन्ग शॉर्ट, है ना, तो ये सारी की सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा मूवमेंट्स, पैन लेफ्ट, पैन राइट, ट्रैक इन ट्रैक आउट, जूम इन जूम आउट, ये सब लोग आप लोग सीख ही चुके हैं सब कुछ। तो मैं इनको ऊपर ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, पर हाँ ये पीपीटी आपको मिल ही जाएगा, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दीज थिंग्स। एंड सो स्टोरी बोर्ड का पर्पस है कि हम क्लियरली डिफाइन कर लें कि हमारे हर एक शॉट में, हमारे हर एक शॉट का साइज क्या होगा, हम
क्या कहना चाह रहे हैं, हम किसको फेस कर रहे होंगे, कैमरा कहाँ होगा. कई बार कैमरा का एंगल भी जो होता है, देखिए ये होता है शॉर्ट एंगल्स, कैमरा का एंगल अगर लो एंगल हो तो उसका अलग मतलब होता है. नॉर्मली हम लोग आई लेवल पे कैमरा रखा जाता है, मोस्टली हर एक चीज आई लेवल पे की जाती है. पर अगर हम किसी को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, किसी को हीरो जैसा दिखाना चाहते हैं, तो जो सबसे लेफ्ट में ऊपर जो है लो लो एंगल, हम नीचे से किसी को देखते हैं तो लगता है कि वो हीरो जैसा है. ऑन द अदर हैंड अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हम उसको दबा रहे हैं. सो ये सारी की सारी चीजें, ये डिसाइड करना स्टोरी बोर्ड स्टेज का काम है. वंस वी आर डन विद द स्टोरी बोर्ड स्टेज, देन वी कम टू द एक्चुअल एनिमेशन. एनिमेशन के अंदर हमने ये देखा कि कैसे, जब हमने अभी इसको मैंने प्ले किया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑडियो कैसे, जो ऑडियो था इसके अंदर ये स्क्रैच ऑडियो था. स्क्रैच ऑडियो इज जब हम लोग ऐसे ही बिना किसी स्टूडियो में जाए, हम लोग फोन पे या किसी बेसिक से सॉफ्ट डिवाइस पे हम लोग केवल टाइमिंग के लिए सारे के सारे डायलॉग बोल लेते हैं. तो जब हम वैसा करते हैं, ये देखिए तो ये एक स्क्रैच वॉइस ओवर जो केवल टाइमिंग के लिए किया गया है. यही वॉइस ओवर को जब एक आर्टिस्ट जब बोलता है, जब आर्टिस्ट के पास में हम जाते हैं, वो आर्टिस्ट से वो इस चीज को बोलता है तो वो उसके अंदर अपनी तरीके से कुछ उसमें ऐड करता है, जो एक्टर होता है, वॉइस एक्टर होता है. तो फिर यही सॉफ्टवेयर, यही आवाज जो है थोड़ी सी बदल जाती है. और ये देखिए, अभी आप इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आवाज शायद कम है, बट जस्ट बियर विद अस और बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा. इसके अंदर एक पूरा का पूरा साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया है. साउंड ट्रैक आप लोगों ने जैसे देखा कि कैसे उसको बनाना बनाया जाता है, तो ये देखिए. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसको एक अलग किस्म का म्यूजिक दिया गया है, और जो पॉजिटिव कैरेक्टर है उसको अलग किस्म का म्यूजिक दिया गया है. यहाँ पर ऑडियो की समस्या है मुझे समझ में आ रही है ये बात, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ इट कैन बी एडजस्ट. यहाँ पर एक सेटिंग है ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिक, इसको मैंने म्यूजिशियंस इसको ऑन किया है, तो देखिए इससे कुछ फर्क पड़ता है. तो आई होप दिस विल हेल्प, इफ इट डजंट देन आई वुड सजेस्ट दैट यू गो थ्रू द पीपीटी व्हेन यू गेट इट, व्हेन इट रीचेस यू, तो आप अपने अपने डिवाइस पर उसको प्ले करके देखिएगा, आपको ये सारे वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगे. बेसिकली इसमें जो है इस हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐड किए गए हैं और कुछ बैकग्राउंड साउंड्स ऐड किए गए हैं. जैसे जब हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक एक मुर्गे की बांग की आवाज आई, कुछ चिड़ियाओं की आवाज आई, कुछ बैकग्राउंड एनिमेशन है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर एडिंग टू द सीन. एंड देन जब ये नेगेटिव कैरेक्टर आता है तो इसके लिए कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं जो कि हमें क्लियरली बता रहे हैं कि वो कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो कैरेक्टर ने जिस तरीके से उसको बोला है वो भी एक किस्म से ऐसा है कि जिससे आपको उसे सीरियसली लेने का मन नहीं करेगा, उसकी बात को सीरियसली लेने का मन नहीं करेगा, विच इज द पर्पस ऑफ द होल एनिमेशन.
ये आपने जितना सुन पाए होंगे आपको मुझे लगता है कि क्या बिल्कुल भी आवाज नहीं है आपकी। अच्छा करेक्ट, ठीक है। तो मैं आप इसको, ये वीडियो आपके पास से पहुंच जाएगा, आप इसको जरूर देखिएगा जी। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ऑडियो से कैसे चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं। एंड हम लोग तो ये समझ ही रहे हैं कि जब ऑडियो नहीं है तो कितना मुश्किल हो जाता है। सो देर इज समथिंग टू लर्न इन दिस ऑल्सो कि वी आर नॉट, सो नाउ वी आर रियलाइजिंग, मतलब हम लोग हमेशा ना कहते रहते हैं कि ऑडियो इज 50% ऑफ योर फिल्म, तो ऑडियो पर बहुत ध्यान दीजिए, ऑडियो पर बहुत ध्यान दीजिए। तो आई थिंक इससे बेहतर इस चीज को समझाने का कोई और तरीका नहीं था कि ऑडियो शायद गायब ही हो गया, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट ऑडियो इज। बट जोक्स अपार्ट, आप इसको प्लीज देखिएगा, इसको डाउनलोड करके एक बार सुनिएगा और तो आपको समझ में आएगा। आवाज कुछ कट कट कर आ रही है जी। ओके, इज इट ओपन वीएम टूल? ओपन वीएम मुझे नहीं पता इस टूल के बारे में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या है। देखिए, हाउ टू मैनेज लिप मूवमेंट इन एवरी पिक्चर, सो हाउ टू मैनेज लिप मूवमेंट, इट्स वेरी सिंपल। जहां जहां पर भी एक तो इसके दो तीन तरीके होते हैं, थोड़ा सा एडवांस है वो। एक तो तरीका होता है कि लिप्स का एक एक वो बना दिया जाता है, लिप्स का एक लूप बना दिया जाता है छोटा सा एनिमेशन का, जो कि रिपीट होता रहता है। तो जहां जहां पे साउंड होता है उस वक्त वहां वहां पर वो लूप चलता रहता है। और अगर और डिटेल में जाते हैं तो कुछ सिलेबल्स होते हैं जैसे ओ पी, जिसके अंदर जैसे ओ है तो आवाज मुंह गोल हो जाएगा। तो ऐसे से करके कुछ 8-10 सिलेबल्स का मुंह का स्ट्रक्चर कैसा है उसके स्टिल्स बना दिए जाते हैं और उनको वहां वहां पर लगाया जाता है। बट ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको हम लोग अभी इस सेशन में तो नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आप लोग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये दिस इज मोर ऑफ अ, ये वाला सेशन जो है हमारा एक किस्म से आपको इनिशिएशन वाला सेशन है। पर आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे तो नहीं, किसी ने बोला कि लूप के लिए कोड करना होता है, नहीं कोडिंग नहीं करनी होती, उस उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। पर हाँ, लूप मतलब लूप के लिए उसको रिपीट कर देते हैं तो हो जाते हैं, बहुत आसान है, इट्स दिस नो रॉकेट साइंस। पर यह है कि सारा कुछ ये 2-3 घंटे में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर हाँ, हम आपको एक एक शुरू कर देंगे, आपको इस रास्ते पर डाल देंगे उसके, और सॉफ्टवेयर आपको समझा देंगे। तो उसके बाद में अगर आप धीरे 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 भी चलते रहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, तो अब ये भी एक और वीडियो का एग्जाम्पल है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज ऑडियो आपको मिलेगा नहीं तो कुछ बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। एंड नहीं, भोपाल जी कह रहे हैं प्लीज डोंट आस्क एडवांस स्टेज क्वेश्चंस, आप यू आर वेलकम टू आस्क सर, बट वी विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस सेशन। नाउ सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वी नीड टू वर्क और यू नीड टू वर्क एज अ टीचर व्हेन यू आर डिजाइनिंग एन एजुकेशनल पीपीटी, एजुकेशनल एनिमेशन। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टारगेट ऑडियंस पर ध्यान दें, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें और अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान दें। ये चीजों को अगर आप टाइट करेंगे, क्योंकि मोर वेरी ऑफन देर विल बी अ टीम वर्किंग विद यू टू एग्जीक्यूट दीज वीडियोज, तो बाकी का सारी की सारी चीजें वो लोग यूज कर रहे होंगे। तो उन सब चीजों के साथ में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर हम लोग अगर हम बात करते हैं, सुनील जी कह रहे हैं सर आप कौन से सॉफ्टवेयर से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएंगे? सर मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। हम लोग आपको इस सेशन में केवल ये समझाना चाह रहे हैं कि एनिमेशन को बनाने के लिए आपके लेवल पर आपने क्या 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 चीजें आपने तैयारी करनी है। द वेरी नेक्स्ट सेशन यू विल बी टॉट अबाउट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बताया जा रहा होगा, उस सॉफ्टवेयर से आप लोग एनिमेशंस बना रहे होंगे, विच विल बी लाइक आई थिंक आपको एक असाइनमेंट भी दी जा रही होगी, आप लोग उसको कर रहे होंगे। मगर उस पूरे के पूरे उसको बनाने के लिए आपको जो हम अभी बात कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, यस सर, प्रदीप जी बता रहे हैं ब्लेंडर, ब्लेंडर इज अनदर गुड सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा ब्लेंडर इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है,
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, एक टाइम पे पेड होता था, आजकल फ्री हो गया है, और उसके अंदर हम लोग ब्लेंडर में भी काफी सारी चीजें पॉसिबल हैं। गुरविंदर मैम एनिमेशन का तो नहीं बताया, एनिमेशन का ही बता रहे हैं हम, यही है एनिमेशन, एनिमेशन और कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा सा जस्ट बियर विद अस एंड विल बी आने वाले सेशंस में यू विल बी टॉट अबाउट एनिमेशन इन लिटिल मोर डिटेल्स, बट शुरुआत पहले पहला कदम रखना पड़ता है, फिर दूसरा। सीधा अगर दूसरा कदम रखते हैं या दोनों कदम इकट्ठे उठाते हैं तो गिर भी सकते हैं ना। तो या सो हम लोग लेट्स जस्ट बिफोर वी मूव अहेड लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट वन मोर, एक हमारा टाइम भी हो गया है, मगर एक जल्दी से अगर हम एक और या एक काम और करते हैं, मैं आपको ना ये एक और एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम हमको कुछ एक ब्रीफ दिया गया था और उसके अराउंड एक एक वीडियो बनाया गया था। इस एग्जांपल में हमने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया वो सारा कुछ इस पीपीटी में है, आप इसको जरूर देखिएगा। दिस अगेन नो रॉकेट साइंस, आप लोगों के लिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इसको पढ़िएगा और उसके बाद में स्टोरी बोर्ड को देखिएगा और उसका वीडियो भी कैसे बना वो भी देखिएगा। हम लोग क्विकली एक बार हम 3D एनिमेशन पाइपलाइन के बारे में भी पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम और उनके बारे में कैसे उनको डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा, एंड देन वी विल बी एबल टू टेक सम क्वेश्चंस, बट वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, सो आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू दिस। सो जो 3D एनिमेशन पाइपलाइन है और 2D एनिमेशन पाइपलाइन, हमने शुरू में जो 2D 3D पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि दोनों टाइप के फिल्म्स को बनाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, दोनों टाइप की फिल्म्स एक दूसरे से थोड़ी सी अलग होती हैं। इसका भी 3D एनिमेशन का प्री प्रोडक्शन इज एग्जैक्टली द सेम, इसमें भी अगेन हम लोग कॉन्सेप्ट नोट बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, कैरेक्टर्स डिजाइन करते हैं, सारा कुछ सेम है। व्हाट इज डिफरेंट इज द प्रोडक्शन पार्ट। प्रोडक्शन पार्ट में हम लोग इसके अंदर ये कुछ आपके लिए नए टर्म्स आएंगे, एक है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि हम 3D मॉडल्स बनाते हैं, जैसे अगर कोई जैसे हमने वो एक 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 बच्चे का वो देखा था एनिमेशन, तो उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है और उस 3D मॉडल को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर उसको हमने सबने 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी पढ़ी हुई है, तो उसी उन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके उसको एक 3D स्पेस में रखा जाता है। इसको रखने के बाद में उस मॉडल के हर एक सरफेस को डिफाइन किया जाता है कि वो सरफेस किस तरीके से लाइट से इंटरैक्ट करेगा। आपने नोट किया होगा, जैसे ये देखिए, अगर आपको मेरा मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये एक एक कैमरा है और ये एक फोन है, फोन का जो शीशा है ये लाइट से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, आप देखिए लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन आ रही है। और यही चीज अगर मैं इसका बैक दिखाता हूँ तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, आ रही थोड़ी सी अलग किस्म की आ रही है। सो दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को कैसे बताई जाएगी, ये कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन टेक्सचरिंग के दौरान बताई जाती है। टेक्सचरिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्लेक्शन किस कलर की होगी, बहुत सारी ऐसी उसमें जो कि थोड़ी सी टेक्निकल और फिजिक्स के अंदर घुस जाती हैं, उन चीजों को बताया जाता है। इसी तरीके से लाइट को डिफाइन किया जाता है, लाइट सोर्स, कुछ स्पॉट लाइट्स होती हैं जो कि पॉइंट होते हैं, पॉइंट से चारों तरफ लाइट निकल रही है जैसे सूरज है, या कुछ होती है जो कि डायरेक्शनल लाइट सोर्स है जो कि एक ही डायरेक्शन से आ रही है, या कुछ ऐसे अलग अलग किस्म के लाइट सोर्सेज होते हैं, वो सारी चीजें डिफाइन की जाती हैं। फ्रॉम टेक्सचरिंग वी कम टू रिगिंग। रिगिंग इज द प्रोसेस इन विच हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ये जो मॉडल है ये कहाँ कहाँ से मूव हो सकता है। जैसे अगर मेरा ये हाथ है, तो अगर मैं इसको इस पे कुछ एनिमेशन करना चाहूँ, इस पे कुछ मूवमेंट करना चाहूँ, तो मैं केवल अपनी अपनी ये इसी जगह से ही मूव कर सकता हूँ, अपनी कोण इसे कलाई से ही मूव कर सकता हूँ, मैं इसको अपनी हड्डी के बीच में से मूव नहीं कर सकता। ये चीज़ कंप्यूटर को कैसे बताया जाए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिगिंग। रिगिंग इज एडिंग बोन्स टू अ कैरेक्टर। देन एनिमेशन, एनिमेशन इज वेन वी एड मूवमेंट्स
lighting is very close to texturing, and then finally all of these things computer plays them together. Computer उनको अपने अंदर play करता है, उस process को rendering कहते हैं. And then of course ये जो एक process है 3D animation का, ये बहुत ही कई बार स्लो भी होता है. हमने अभी जैसे देखा, हमने 25 FPS के बारे में हमने पढ़ा कि एक सेकंड में 25 फ्रेम बनाए जाते हैं, 25 अलग अलग इमेजेस बनती हैं जो कि जोड़ करके केवल एक सेकंड की एनिमेशन बनती है. उस एक 25 वन बाय 25th ऑफ अ सेकंड की एक इमेज को रेंडर करने में इट कैन टेक अप टू 15 to 20 minutes. मतलब कंप्यूटर 15-20 मिनट तक केवल प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज वो केवल 1/25 सेकंड का, सेकंड का 1 सेकंड का 25वां हिस्से तक की एनिमेशन उसने बनाई है. सो दैट इज हाउ, एंड दिस इज, ये कंप्यूटर में बात कर रहा हूं जो कि बहुत ही अच्छा कंप्यूटर है, मतलब इसमें 64 GB या 128 GB रैम है, बहुत हाई एंड उसमें ग्राफिक्स कार्ड है, i9 इसमें अच्छा प्रोसेसर है, उसकी मैं बात कर रहा हूं. सो 3D एनिमेशन इज देयरफॉर वेरी वेरी रिसोर्स इंटेंसिव. And that is, and therefore it is very expensive also. But again, आप लोगों के लिए important ये नहीं है कि 3D animation को समझना, आपके लिए important है उसकी possibilities को समझना और अपनी pre-production के तरीके को समझना, ताकि आप जब इसको कर रहे होंगे तो आपके पास भी एक टीम होगी, उस वाले टीम से आप कैसे उससे काम करवा पाए, ये बात को समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिमिलरली इंफोग्राफिक्स हमने देख लिए. इंफोग्राफिक्स तो खैर हमने देखी है कि वो है, आप पीपीटी में भी आप लोग करते ही हैं, उसी तरीके के ही हैं. जब आप लोग, अब क्विकली बिफोर आई मूव अहेड, मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो कि आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगी. आप जब भी कोई एनिमेशन बनाते हैं, तो आप लोग कुछ चीज़ें ऑनलाइन इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और उन चीजों को आप बेसिक सॉफ्टवेयर्स में, जैसे आपने ओपन शॉट के बारे में पढ़ा, उसमें आप मूवमेंट्स ऐड कर सकते हैं, और अगर आपकी प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग है तो उन मूवमेंट्स से आप बेसिक स्टोरीज बता सकते हैं, जिसमें आपको मूव को मूव करने की जरूरत नहीं है, केवल कैरेक्टर्स को दूर या पास रख करके उसमें साउंड डिजाइन आप लोग सीख चुके हैं, वो सब चीजें जब आप ऐड करते हैं तो एक बेसिक एनिमेशन आप लोग बना सकते हैं. ये चीजें डाउनलोड करने के लिए जो कुछ सॉफ्टवेयर्स या कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री हैं, आप इनको नोट कर लीजिए. चारों की चारों जो हैं ये फ्री वेबसाइट्स हैं. फ्रीपिक, पिक्सेल्स, पिक्साबे, पीएनजी ट्री, ऐसे और भी हैं. इनसे आप लोग पीएनजीस मोस्टली डाउनलोड कर सकते हैं. अब पीएनजी क्या होता है? पीएनजी वो फिल्म, वो पिक्चर होती है, वो इमेज होती है जिसके अंदर, पीएनजी बेसिकली एक इमेज को स्टोर करने का एक तरीका है. जो पीएनजी होती है उनके अंदर .png लिखा होता है, उसके बाद में उनके अंदर कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे टोपी में ये हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, ये एक जेपेग है, इसके अंदर कोई भी हिस्सा ट्रांसपेरेंट नहीं, पूरा का पूरा रेक्टेंगल भरा हुआ है. जेपेग नॉर्मली RGB तीन कलर्स को इस्तेमाल करता है, पीएनजी RGB प्लस एक अल्फा चैनल को इस्तेमाल करता है. अल्फा चैनल मतलब ट्रांसपेरेंसी. तो आप लोग जब डाउनलोड करें, आप लोग पीएनजी डाउनलोड करें और उनको आप लोग जो है इस्तेमाल करके आप लोग अपने इसमें ओपन शॉट या अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स में आप उनको डाल सकते हैं. जेपेग एंड पीएनजी, जेपेग और पीएनजी पे फर्क ये है, अभी किसी ने बोला कि रिपीट करने के लिए, जेपेग एंड पीएनजी इज, जेपेग के अंदर देर इज नो ट्रांसपेरेंसी, दिस एंटायर इमेज इज फिल्ड, एवरी पिक्सल कंप्यूटर ने ये स्टोर किया हुआ है कि उस पिक्सल पे क्या कलर है, और उस कलर के लिए वो तीन कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा है, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू की परसेंटेज इस्तेमाल कर रहा है. रेड ग्रीन ब्लू को अगर जोड़ देते हैं सारे कलर्स मिल जाएंगे तो वाइट बन जाएगा, तीनों को हटा देंगे तो ब्लैक बन जाएगा. तो बेसिकली RGB से हम सारे के सारे कलर्स बना सकते हैं. तो कोई भी कलर दिखाने के लिए RGB की कोई ना कोई वैल्यू काफी है. मगर अगर हमें ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए तो एक चौथा कलर मिला दिया जाता है जिसको अल्फा चैनल कहते हैं, ट्रांसपेरेंट चैनल. तो उसमें दिखाते हैं कि कौन कौन सा एरिया उस इमेज का ट्रांसपेरेंट होगा. ये जो ट्रांसपेरेंसी की इंफॉर्मेशन है ये जेपेग में स्टोर नहीं की जा सकती है, केवल पीएनजी में स्टोर की जा सकती है.
So PNG is, so my suggestion to you basically why we are अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स इज कि जब आप कुछ डाउनलोड करें, जब आप कुछ डाउनलोड करें, आप डाउनलोड करें एक PNG इमेज जिसके अंदर ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी हो। ये जो मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई हैं, जैसे फ्री पिक पर अगर आप जाते हैं, आप PNG सर्च कीजिए, आप रोज के अराउंड 10-12 PNGs आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली पिक्सल्स में और भी ज़्यादा आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पिक में अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको आप आई थिंक रोज की 50 भी डाउनलोड कर सकते हैं, उतनी आपको चाहिए भी नहीं, आपको रोज की 4-5 भी मिल जाएंगी तो आपका काम हो जाएगा, अगले दिन आपका अकाउंट रीसेट हो जाता है। सो ऑल ऑफ दिस इज फ्रीली अवेलेबल, बट यू यू मस्ट नो कि मैं क्या डाउनलोड करूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं हमारे काम की है, तो वहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि PNG इज बेटर। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज रास्टर एंड वेक्टर। सो रास्टर ग्राफिक्स वो होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर हर एक पॉइंट पर क्या कलर है ये स्टोर करता है। जब हम रास्टर इमेजेस को यूज करते हैं, मैं अभी बस कॉपीराइट की बात करता हूँ शबनम जी, तो जब हम रास्टर इमेजेस की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये जो राइट वाली इमेज है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रास्टर इमेज। इसके अंदर हर एक पिक्सल पर क्या कलर है वो कंप्यूटर ने स्टोर किया। जब हम इसमें जूम करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पिक्सल्स इतने बड़े हो जाएंगे कि वो हमारे मीनिंग को, उस इमेज के कंटेंट को डिस्टर्ब करने लग जाएंगे। तो रास्टर इमेज की ये उसकी लिमिटेशंस है। वेक्टर इज अनदर वे ऑफ स्टोरिंग दैट इमेज। वेक्टर इमेजेस में ये फायदा होता है कि इमेजेस को पिक्सल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मैथमेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि एक सर्कल की इक्वेशन होती है, एलिप्स की इक्वेशन होती है, तो जब हम इक्वेशन की तरह उसको स्टोर करते हैं, तो जब हम उसको जूम करते हैं तो कंप्यूटर उस इक्वेशन को दोबारा से रन कर लेता है नए वैल्यूज के साथ में। तो एज अ रिजल्ट वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो दे आर ऑलवेज स्मूथ। हम जितना ज्यादा हम उनको जूम करते जाएंगे वो हम जा सकते हैं, वो हमेशा नए तरीके से वो रिन्यू होते जाएंगे और वो स्मूथ ही रहेंगे। तो नॉर्मली जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो इलस्ट्रेटर बेस्ड फाइल्स होती हैं और रेस्टर ग्राफिक्स जेपेग बेस्ड होती हैं। तो अगर ऑप्शन हो तो हमें इलस्ट्रेटर बेस्ड फाइल्स डाउनलोड करनी चाहिए अगर हमें जूम करने की जरूरत है तो। यस, इमरान जी ने बिल्कुल सही बताया कि जो वेक्टर फाइल्स होती हैं दे नेवर गेट ब्लर्ड और रेस्टर फाइल्स इवेंचुअली ब्लर हो जाती है। तो किसी ने पूछा कॉपीराइट इशू के बारे में, तो देखिए फ्री पिक में कॉपीराइट नहीं होता। एक एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिव कॉमन्स का, मुझे पता नहीं आप लोगों को बताया गया कि नहीं। बेसिकली जो भी कोई कुछ भी क्रिएट करता है वो उसका कॉपीराइट ओन करता है। ऐसा पॉसिबल होता है कि वो जब हम किसी को कोई चीज बेच देते हैं या किसी को कोई चीज किसी और को राइट्स देते हैं तो हम उसको एक लाइसेंस देते हैं। हम तो उसके हमें अगर हमने क्रिएट की तो हम उसके मालिक हैं, वेदर और नॉट वी हैव रजिस्टर्ड इट। बट व्हेन वी हैव लाइसेंस्ड समवन एल्स तो हम उसको कुछ पैसे दे ले करके हम उसको एक लाइसेंस दे सकते हैं कि ठीक है आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, ये उसकी रिसोर्स, ये उसकी कंडीशंस हैं। इट कुड बी एक परपेचुअल लाइसेंस की भाई जिंदगी भर तुम्हारा हो गया, या 6 महीने के लिए हो गया, या केवल इन इन कामों के लिए हो गया, ऐसे करके। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस हैं इनमें एक लाइसेंस होता है जिसका नाम होता है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स अगर लाइसेंस दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो आपका केवल आप ये कह रहे हैं कि मेरा नाम इस्तेमाल कीजिए, मगर आप उसको आप अब एज लॉन्ग एज आप उसको बेच नहीं रहे हैं फर्दर तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स, फ्री पिक, पिक्सल्स, पिक्सबे, दे ऑल वर्क ऑन क्रिएटिव कॉमन्स। सो यू कैन द क्वेश्चन वॉज कि क्या कॉपीराइट इशू नहीं होता है। सो कॉपीराइट इशू नहीं होता है एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अगर आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी तरीके से दीज आर सम एनिमेशन सॉफ्टवेयर एंड ओपन शॉट तो आप लोग सीख ही लेंगे। ये सारे भी फ्री सॉफ्टवेयर हैं
जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, दे आर स्लाइटली रिसोर्स इंटेंसिव, आपको थोड़ा सा फास्ट कंप्यूटर चाहिए होगा। ओपन टून्स इज जुलाई अगस्त तक ओपन टून्स थोड़ा सा, इट यूज्ड टू बी पेड सॉफ्टवेयर होता था अभी, मतलब 6 महीने पहले तक, और रिसेंटली अभी ये फ्री हो गया है। वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर, लॉट ऑफ किड्स आर ऑलरेडी यूजिंग इट। यू विल बी सरप्राइज, अगर आप स्कूल में बताएंगे ना 30 बच्चों की क्लास में, कम से कम 2 या 3 बच्चे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे जो ओपन टूल्स को यूज कर रहे होंगे आप, और वो आपको समझा भी देंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। यू विल बी सरप्राइज। तो एंड दे आर ऑल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर, आप इनके बारे में जस्ट मेक अ नोट ऑफ देम, सर्च फॉर देम ऑन यूट्यूब, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन आर ट्रेनिंग सेशंस ओनली, यूज देम ओनली एज अ स्टेपिंग स्टोन। ये दीज आर ओनली फॉर इनिशिएशन, हम आपको केवल रास्ता दिखा रहे हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। आप यूट्यूब पर जाइए, इनके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जस्ट स्पेंड 3 आवर्स एंड यू विल यू नो लर्न अ न्यू सॉफ्टवेयर। एंड लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, देयर इज इट इज नो देयर इज इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज समथिंग वेरी इजी, ऑल ऑफ अस कैन डू एंड ऑल ऑफ अस कैन यू नो क्रिएट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो ऑन दैट नोट, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक इट, अदरवाइज यू वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन। We are already past our time, and if there is anything else you would like me to take, otherwise I would request the CIET team to take over from here. Thank you so much, sir. It was a wonderful session, और ये एक most awaited session होता है participants का, कि कैसे animation create कर सकते हैं और animation क्या होता है उसकी एक basic understanding। तो जैसा कि मैं chat में भी देख पा रही थी, बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आया और queries भी बहुत थी। जब queries थी तो इसका मतलब ये है कि उन्हें समझ में भी आया और उनको अच्छा भी लगा। तो thank you so much for this wonderful session, sir. Thanks to all the participants who participated so actively. एक गुरिंदर मैम कह रही थी कि सर डेमो, सर डेमो तो हम अब भी आप देखिएगा आने वाले सेशंस में, अभी पिक्चर अभी बाकी है, डायलॉग है अभी अभी ये क्या लिए, एक ओपनिंग है, तो आप देखते जाइए। आने वाले सेशन में कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आप लोगों को बता रहे होंगे और यू विल बी एंजॉयिंग इट, सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस। या हाँ बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा कि आने वाले सेशंस में जो सेशन होने वाला है उसमें एनिमेशन का ही हैंड्स ऑन होगा और आपको सॉफ्टवेयर भी बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर से आप एनिमेशन